आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। पेटीएम का यूज करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब 24 घंटे और सातों दिन मिलेगी आरटीजीएस की सुविधा, आसानी से कर पाएंगे फंड ट्रांसफर। पेटीएम यूजर्स के लिए अब अच्छी खबर सामने आ रही है। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने अपने यूजर्स के लिए बेहतरीन सेवाएं शुरू कर दी है। अब पेटीएम यूजर्स 24 घंटे फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए आरटीजीएस सेवा को हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटों के लिए यहां पर शुरू कर दिया है। यानी अब आप पेटीएम की मदद से किसी भी वक्त आरटीजीएस सर्विस के जरिए फंड यहां पर भेज सकेंगे। वही पेटीएम ने 14 दिसंबर को इस सुविधा की यहाँ पर शुरुआत कर दी है। इस सर्विस के जरिए यहाँ पर पेटीएम उपभोक्ता को किसी भी वक्त अपने कभी भी आसानी से अपने मोबाइल की मदद से वो आरटीजीएस के जरिए पैसे 2 लाख से ज्यादा अगर पैसे उनको भेजने हैं तो वो भेज सकेंगे। भाई चंद मिनटों के भीतर ही यहाँ पर फंड ट्रांसफर उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दें कि सभी बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों पर आरटीजीएस सर्विस को 24 घंटों के लिए खोल दिया है। वही बैंक की सेवा के बाद पेटीएम ने भी आरबीआई के निर्देशों का यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस सेवा को 24 घंटों के लिए शुरू कर दिया है। वैसे सेवा के जरिए लोग बड़ी रकम को आसानी से भेज सकेंगे। आप 2 लाख से अधिक की रकम किसी भी समय डिजिटल तरीके से भेज सकेंगे। इसका लाभ पेटीएम यहाँ पर पेटीएम को उपयोग करने वाले लोगों को या पेटीएम वेंडर्स को यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। वही पेटीएम का कहना है कि वह अकेली ऐसा ऐप डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों को साल के साथ यहाँ पर 365 दिन और हफ्तों के सातों दिन और 24 घंटे फंड ट्रांसफर वो पेटीएम ऐप के जरिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि पेटीएम लगातार अपनी सुविधा में सुधार और बदलाव करता रहा है। उपभोक्ता के लिए भी अपनी सर्विस को आसान बनाने के लिए कंपनी अक्सर नई सर्विस को यहाँ पर अपडेट करती रहती है। तमिलनाडु सरकार ने राशन कार्ड पर 2500 रुपए कैश देने का किया है वादा। त्योहारों पर अगर अचानक से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो आपकी खुशियां जरूर थोड़ी बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री पिलानी स्वामी ने शनिवार को चावल लेने के लिए पात्र सभी राशन कार्ड धारकों को पोंगल त्योहार के लिए 2500 रुपए नगद देने की घोषणा यहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि नगद प्रोत्साहन 4 जनवरी 2021 से बांटा जाएगा ताकि लोग यहां पर पोंगल फसल उत्सव मना सके। वही कोरोना के इस दौर में सरकार का ये ऐलान आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सस्ती चीनी खरीदने के लिए भी इसे मान्य कर दिया था जो चावल के कार्ड पर स्विच कर सकते हैं। वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मुताबिक पोंगल पैकेज से 2.6 चावल कार्ड धारकों को यहां पर कार्ड का यहां पर फायदा उन्हें राशन कार्ड धारकों को यहां पर फायदा मिलेगा। वही पोंगल त्योहार से पहले ये बांटा जाएगा। वही पोंगल त्योहार 14 जनवरी को पड़ता है। पिछले साल नगद प्रोत्साहन के तौर पर राज्य सरकार ने हम लोगों को 1000 रुपया दिया था, अब इसे इस पर 1500 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। अब सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को 2500 रुपए नगद दिया जाएगा। इसके अलावा 1 किलो चावल और चीनी और एक पूरा गन्ना भी यहाँ पर मुफ्त दिया जाएगा। अगर आप भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आरबीआई ने बदले हैं कई नियम। इस्तेमाल करने से पहले ये नियम आपको जानना जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के जरिए रिजर्व बैंक की ओर से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है। इन बढ़ते फ्रॉड को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इन नए नियमों के जरिए रिजर्व बैंक की ओर से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नियमों में हुए बदलाव की वजह से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कुछ यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आप पहले ही जान लें कि आखिर किन किन नियमों में बदलाव हुआ है ताकि आपको आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो और कौन कौन से नियमों में हुआ है बदलाव ये भी आपको जानना जरूरी है। वही यहाँ पर नए डेबिट कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को सिर्फ ATM और पोस्ट मशीन से यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की मंजूरी दी गई है। इससे बिना कार्ड के कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। वही इसके बाद दूसरा नियम बनाया गया है, विदेशी वेबसाइटों पर नहीं होगा लेन देन। दरियाल विदेशी वेबसाइट पर कोई ट्रांजेक्शन पर फ्रॉड यहां पर फ्रॉड का खतरा यहां पर ज्यादा रहता है। ऐसे में नए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ग्राहकों को विदेश में या फिर किसी विदेशी वेबसाइट से ट्रांजेक्शन करने की इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। वही यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस कार्ड के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर बैंक से यहाँ पर करनी होगी बात। अगर आप कॉन्टेक्टलेस कार्ड धारकों के लिए यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन पर रोक लगा रखी है। वही कॉन्टेक्टलेस कार्ड धारकों को कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर आरबीआई ने रोक लगा रखी है। अगर आप इस सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको पहले बैंक से ये सुविधा शुरू करवानी होगी।
वहीं इसके बाद ऑनलाइन लेन देन की परमिशन भी आपको लेनी होगी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। पहले आपको उस यहाँ पर बैंक से परमिशन लेगी है दरियाल बैंक से। पहले कार्ड मिलने पर आप एटीएम और मशीन के अलावा कहीं भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर आप नए कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो पहले आपको बैंक से यहाँ पर सर्विस की यहाँ पर अनुमति लेनी होगी, एक्टिवेट यहाँ पर सुविधा आपको सर्विस आपको करवानी होगी। वहीं इसके बाद लिमिट भी तय कर सकेंगे। ऐसे मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, ऐसे में वो अपने कार्ड में ट्रांजेक्शन की लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इससे कोई भी उनके कार्ड से बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। अगर आप भी बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आप उसमें अपना लिमिट तय कर लें जिससे आपके अकाउंट में कोई बड़ा फ्रॉड ना हो। इससे यहाँ पर फ्रॉड को इससे भी रोका जा सकता है। वही इसमें कई सुविधाएं बंद करने का भी बात कही गई है। नए नियमों के मुताबिक कई ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये सुविधा बैंक बंद कर देगा। इससे कोई यहाँ पर इससे कई बिना एटीएम कार्ड के आपके खाते से कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। वही जब आप नया डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि चाहे जितनी सर्विस एक्टिवेट करवा लें, आप चाहे जितनी सर्विस एक्टिवेट करवा सकते हैं, जिसे अगर आप चाहते हैं तो आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की आवश्यकता नहीं है तो उसे आप बंद भी करवा सकते हैं। ऐसे ही अन्य सेवाओं के साथ यहाँ पर साथ ही और आप चाहे तो इसे फिर से यहाँ पर सर्व करा सकते हैं। अब बात करें मौसम की तो दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज आज के बाद सुधर सकते हैं हालात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा है और न्यूनतम तापमान यहां पर गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो कि इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। वही भारतीय मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि यहां पर सरपरदगंज वैद्यशाला में तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। लोधी नगर में तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस और आया नगर मौसम केंद्र में 3.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि बर्फ से ढके हिमालय क्षेत्र से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शहर में सर्दी का प्रकोप बरकरार है। वहीं शहर में यहाँ पर गुरुवार को बेहद ठंडा दिन दर्ज किया गया था, क्योंकि अधिकतम तापमान यहाँ पर गिरकर 15.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम था। वही इस मौसम का सबसे कम तापमान था। वही शुक्रवार को अधिकतम तापमान यहां पर 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिनों तक न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है। वही भारी बर्फबारी के बावजूद भी विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ के मंदिर की सुरक्षा में पुलिस के जवान जुटे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग के भीमबाली से सप्ते में एक दिन पुलिस के जवान यहां पर केदारनाथ की राखी लगाने के लिए यहां पर जा रहे हैं और केदार धाम में रह रहे साधु संतों की खबर लेकर आ रहे हैं। वही पुलिस के 4 जवानों को आधुनिक हथियारों के साथ साथ बाबा केदार की सुरक्षा व्यवस्था में भी लगाया गया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम के बदलते मिजाज के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही यहाँ पर विंटर डेस्टिनेशन इसे कहा जाने वाली ओली में यहाँ पर हिम प्रेमियों का जमावड़ा जमना शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल ओली में देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंचने लगे हैं। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, देश में लगातार 7वें दिन 30,000 से भी कम आए हैं नए मामले। 33 राज्यों में 20,000 से भी कम है एक्टिव केस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से यहां पर गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ब्राजील, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। भारत में लगातार 7वें दिन 30,000 से भी कम कोरोना के मामले भारत में आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 26,624 नए मरीज आए हैं। वहीं 341 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,690 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1,31,000 हो गई है। इनमें अब तक 1,45,477 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल एक्टिव केस घटकर भारत में 3,05,000 हो गए हैं। अब कुल 95,80,000 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के मुताबिक 18 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए भारत में कुल 16,11,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें 11,00,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के केस 20,000 से भी कम यहाँ पर सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में 40% मामले केरल और महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। वहीं कुल रिकवरी का यहाँ पर 52%
मामले इन पांचों राज्यों में है। रात की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में लगातार गिरावट भारत में दर्ज हो रही है। पिछले 23 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी भारत में ज्यादा हो रही है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 55% से ज्यादा है। वही एक्टिव केस यहां पर भारत में फिलहाल 3% बचे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में, एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 9वां स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले अमेरिका और ब्राजील के बाद यहाँ पर भारत का नंबर आता है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, GPF की तरह आ रही है नई योजना, CM ने दी है स्वीकृति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 के एवं उसके बाद राज्य कर्मचारियों के लिए GPF के समान नई योजना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति जारी की है। नई योजना के तहत इन कर्मचारियों के खातों में राज्य सरकार दिवाली बोनस का बकाया 75% हिस्सा डालेगी। वही कर्मचारी भी अपने खाते में स्वेच्छा से राशि जमा करा सकेंगे। वही जमा राशि पर नियमानुसार यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा, वही यहाँ पर ब्याज दिया होगा। आपको बता दें कि इस वर्ष दिवाली पर मुख्यमंत्री की ओर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की थी। उन्होंने 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मिकों के बोनस का 25% यहां पर राशि नगद देने तथा शेष 75% राशि जमा कराने के लिए GPF के समान योजना बनाने के निर्देश उन्होंने दिए थे। इस घोषणा के क्रम में यहां पर स्वायत्त निकाय और बोर्ड एवं निगम आदि के कर्मचारी भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने जनाधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 को लागू करने के लिए राजस्थान जनाधार प्राधिकरण नियम 2020 के प्रारूप का प्रशासनिक अनुमोदन दिया है। वही गहलोत ने इसके लिए आयोजन विभाग के प्रस्ताव पर भी सहमति यहाँ पर दी है। नियमों के माध्यम से जनाधार प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्रदेशवासियों की जनाधार पहचान यहाँ पर जारी करने के और इसके लिए यहाँ पर एनरोलमेंट उपकरण के उपयोग और सूचनाओं की सुरक्षा आदि को यहाँ पर सुरक्षा की कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।